डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए, सॉरी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि आखिर वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, आखिर तारे क्यों टिमटिमाते हमें प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अगला वायुमंडलीय अपवर्तन का कुछ प्रभाव को पढ़ते हैं। तो दूसरा वायुमंडलीय अपवर्तन का के कारण जो इफेक्टिव होता है वो होता है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, इसके बारे में। तो टॉपिक बनाएंगे अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, ये हम लोग टॉपिक बनाएंगे। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, ठीक है। तो ये भी चूंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है, अग्रिम सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य निकलने से पहले ही हम लोगों को सूर्य दिखने लगता है। अब ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। वही नहीं, विलंबित सूर्यास्त, विलंबित का मतलब देर से सूर्यास्त होना, ठीक है। तो आखिर ये किसके वजह से हम लोगों को प्रतीत होता है? तो ये प्रतीत होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो पहले हम लोग चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे, फिर समझने में आसानी होगा। फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तथा वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहता है। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझना चाहिए कि नाम ही हम लोग टॉपिक्स का लिखे हैं अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। इसका मतलब सूर्य जो अग्रिम, अग्रिम का मतलब सूर्य को निकलने से आगे ही हम लोग सूर्य को देखने लगते हैं। याद रखिएगा, कितना मिनट पहले हम लोग सूर्य को देखने लगते हैं? 2 मिनट पहले। ये चूंकि क्यों होता है, तो वायुमंडलीय परिवर्तन का एक घटना है। जैसे कि तारे का टिमटिमाना भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, उसी तरीके से याद रखिएगा, सूर्य जो है 2 मिनट, सूर्य को निकलने से 2 मिनट पहले ही अग्रिम मतलब आगे ही हम लोग देखने लगते हैं। लेकिन सूर्य अगर डूब जाता है, उसके 2 मिनट बाद तक के भी हम लोग देख पाते हैं सूर्य को, जिसको हम लोग विलंबित सूर्यास्त के नाम से जानते हैं और इसको अग्रिम सूर्योदय के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय जो होता है, उस वास्तविक सूर्योदय को हम लोग 2 मिनट बाद से देखना स्टार्ट करते हैं, देख पाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो भी हम लोगों को सूर्योदय के समय सूर्य नज़र आता है, वो 2 मिनट पहले नज़र आने लगता है, और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है अस्त हो जाता है, उसके बाद भी 2 मिनट तक हम लोगों को दिखते रहता है सूर्य, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसा 2 मिनट का जो अंतर होता है, ऐसा क्यों होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। और इसके अलावा एक और इसमें चीज़ आपको जानना चाहिए कि ये तो सूर्योदय का अग्रिम आगे निकलना और सूर्यास्त का मतलब कि सूर्य अस्त होने के बाद भी 2 मिनट तक हमें दिखाई देता है सूर्य। लेकिन एक आप गौर किए होंगे, जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय यानी कि सूर्य जब उदय होते हैं, या फिर सूर्यास्त यानी कि सूर्य जो है अस्त होते हैं, ठीक
ठीक है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप केयर कीजिएगा, सूर्य को देखिएगा, लगेगा कि आपको पूरा तरीके से चपटा नज़र आ रहा है, पूरा लगेगा कि ऐसे चपटा है ना, यानी कि चपटा प्रतीत होता है। उसका भी कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। और एक और सूर्य के बारे में आपको जानना चाहिए कि जब सूर्य उदय होते हैं ना और सूर्य जो है अस्त होते हैं, उस टाइम जो है सूर्य में लाल रंग की ज़्यादा कलर आ जाती है, रक्ताभ जिसको कहते हैं, लाल रंग से छा जाता है सूर्य। बाकी दोपहर के टाइम जैसे जैसे आएगा तो उसमें वो उतना लाल सूर्य नहीं दिख पाता है, तो इसका दूसरा कारण है। ठीक है, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग है वो ज़्यादा लाल कलर आ जाता है, इसका दूसरा कारण है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, हालांकि आपको समझना चाहिए कि सूर्योदय होने से पहले ही 2 मिनट हम लोगों को दिखने लगता है। यह ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अच्छा, सूर्यास्त के होने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता है, ये भी कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़े कि सूर्योदय और सूर्यास्त जो है चपटा दिखाई देता है, सूर्योदय होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, चपटा दिखाई देता है, और चपटा का मतलब एक सिद्ध में। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लगता है कारण वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडल, ये सब सवाल आता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे का टिमटिमाना वाला जो टॉपिक्स हम लोग किए हैं उसमें एक दो एरो जो है आप अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में उसको लिख दीजिएगा कि आखिर तारे का टिमटिमाने का क्या वजह है। तो मोटा मोटी अगर 100% बात किया जाए कुल मिलाकर, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त को 2 मिनट पहले और बाद तक देख सकते हैं, और तीसरा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है चपटा दिखाई देता है, ये भी मूल कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो इसको भी नोट किया जाए, सेकेंड एरो देकर लिखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य सूर्य चपटा प्रतीत होता है, सूर्य चपटा प्रतीत होता है। चलिए अब इस टॉपिक का हम लोग फिगर बना लेते हैं तो ज़रा अच्छा रहेगा। जैसे अगर बात करें तो ये हम लोगों का अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई व्यक्ति है, जब अपने आँख से देखता है, ठीक है, तो जब अपने पृथ्वी से सीधे देखता है तब उसको कहते हैं क्षैतिज या क्षितिज, ठीक है, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। लेकिन मान लिया कि जब सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है, तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य क्या है, चक्कर लगाते रहता है। जी नहीं, पृथ्वी चक्कर लगाते रहती है, सूर्य स्थिर है। तो एक्चुअली सूर्य मान लिया जाए कि यहाँ है, ठीक है, यहाँ सूर्य है, ये सूर्य है, तो यहां से हमको सूर्य का रोशनी जो है यहां से पड़ा है ऐसे, ठीक है, लेकिन हम लोगों को सूर्य यहां दिखता है ठीक इसके विपरीत, उतना ही डिस्टेंस पे सेम वही सूर्य जो है दिखता है, देख पा रहे हैं। तो ये हम लोगों का बात किया जाए तो ये वास्तविक सूर्य सूर्य है, वास्तविक सूर्य, लेकिन ये क्या है, काल्पनिक काल्पनिक। और याद रखिएगा इसके बीच में 2 मिनट का अंतर रहता है, ये 2 मिनट के बाद यहाँ अपने जगह पे आता है, लेकिन जब वो अंदर रहता है हमारे क्षैतिज से, हम इसको नहीं देख पा हमें इसको, इस सूर्य को नहीं देख पाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम इसको देख पा लेते हैं, और जो देख पा रहे हैं वो एक्चुअली 2 मिनट के बाद वहाँ पे आता है।
तो कुल मिलाकर ये पृथ्वी है, ये प्रेक्षक है, प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर, आपने आँख से देखने वाला, इसको क्षैतिज बोलते हैं, इसको काल्पनिक सूर्य बोलेंगे, काल्पनिक सूर्य। और याद रखिएगा हम लोग इसको देख सकते हैं 2 मिनट पहले, और जब ऐसा अस्त हो जाता है ना फिर भी हमको 2 मिनट तक दिखते रहता है। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के लिए कुछ घटना हुआ, तो यहाँ लिख दीजिए उसके नीचे वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या क्या पॉसिबल है, तो ये फिगर भी उसके नीचे जो है आपको बना देना है। तो कुल मिलाकर वायुमंडलीय अपवर्तन का एक घटना था जिसको हम लोग डिस्कस किए हैं। चलिए अब अगले नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। तो टॉपिक्स बनाएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। आखिर क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके बारे में जानेंगे। प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन ये टॉपिक देंगे, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले फर्स्ट और देखकर लिखा जाए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन को समझते हैं, ठीक है। अब प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो बोला जा रहा है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, आपको माध्यम तो समझा है, सघन माध्यम, विरल माध्यम, लेकिन वो तो छोड़ दो, आप वायु जानते हो ना, हवा, हवा में कई तरीके के धूल कण मौजूद होते हैं, ये मान लो ना धूल कण है। अब धूल कण ये सब सारे हैं, इस धूल कण से भी जब प्रकाश को गुजारा जाता है ना, तो प्रकाश क्या होता है, इससे टकराकर, किससे, जो प्रकाश के रास्ते में जो भी धूल कण मिलते हैं ना, उससे टकराकर प्रकाश को प्रसारित करता है। प्रसारित करता मतलब जैसे यहाँ टकराया तो फिर यहाँ मुड़ा, यहाँ से टकराया तो ऐसे ऐसे मुड़ा। तो कहने का मेरा मतलब कि जब प्रकाश किरण ऐसा माध्यम से गुजरता है जहाँ पे सिर्फ धूल कण हो, ठीक है, हवा में तैर रहा धूल कण हो या अन्य पदार्थ हो जो सूक्ष्म होना चाहिए, सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा होना चाहिए, तो इसके द्वारा जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो सभी दिशाओं में प्रसारित, जैसे मान लिया कि एक किरण सीधे रास्ते पे जा रहा था, लेकिन जैसे ही धूल कण वगैरह मिल गया तो ये टकराना शुरू कर दिया, यहाँ से टकराया फिर यहाँ से टकराया, ऐसे करके प्रसारित हो गया, तब हम इसको बोल सकते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी कि सीधा समझ लो आप, प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहते हैं, जब प्रकाश के किरणों को धूल कण से गुजारा जाता है तो उस धूल कण से प्रकाश की किरण टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है या प्रसारित हो जाती है, इस घटना को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। अब आपको प्रकाश के प्रकीर्णन में एक बात जानना चाहिए कि जिस रंग का तरंग धैर्य के बारे में हम लोग नाम सुने हैं कि चलो भाई लाल का सबसे ज़्यादा तरंग धैर्य होता है, तो जिस रंग का जो तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा होता है उसका याद रखिएगा प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है।
यानी कि तरंग दैर्ध्य हमेशा प्रकीर्णन का उल्टा चलता है, ठीक है। अगर तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम लोग बात कर लिया कि अगर तरंग दैर्ध्य ही कम हो जाए, ठीक है, तरंग दैर्ध्य ही कम हो जाए तो प्रकीर्णन का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि तरंग दैर्ध्य और प्रकीर्णन में कैसा रिलेशन है, तो एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। याद रखना होगा आपको कि लाल का जो तरंग दैर्ध्य है, हम आपको पहले बताएं, लाल का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा है। उसी प्रकार ठीक उसका इसका उल्टा कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम है, ये सबसे ज्यादा हो गया, ये सबसे कम हो गया। तो ये बात को भी आप याद रखिएगा अच्छे से कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका प्रकीर्णन जो है ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम दोनों बात को लिख लिए कि जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा उसका जो प्रकीर्णन होगा कम होता है, और जिस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, अब आपको एक चीज समझना चाहिए कि आकाश हम लोगों को नीला रंग का दिखता है, ठीक है। आकाश का रंग कैसा होता है, नीला, ब्लू होते हैं। लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये हम लोग गलत बोलते हैं। आकाश का रियल में जो कलर है वो काला है। आकाश का रंग सचमुच कैसा, किस रंग का है, काले रंग का। लेकिन हम लोग प्रूफ कर दिए हैं, डेराइव कर दिए हैं कि उसका जो रंग होता है वो ब्लू होता है। अब क्यों ब्लू होता है इसके पीछे भी लॉजिक है। हालांकि उस आकाश के रंग का नीला होने के कारण का बहुत कारण हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन। यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश क्या होते हैं, नीला पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी लिख लिया जाए इस टॉपिक के नीचे एरो देकर। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहते हैं भाई। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब हुआ वह प्रकाश जो किसी सूक्ष्म कण से गुजारा जाए तो उससे प्रसारित होता है, टकराकर सभी दिशाओं में प्रसारित होता है, इसको प्रकीर्णन कहते हैं। याद रखिएगा, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा प्रकीर्णन कम होगा। यानी कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका है, लाल का, तो लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। और सबसे कम किस रंग का होता है तरंग दैर्ध्य, वो होता है बैंगनी का। तो यहाँ प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा किस रंग का होगा, बैंगनी का, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को याद रखिएगा। खैर, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक बनाया जाए टिंडल प्रभाव, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, VVI, टिंडल प्रभाव। अब टिंडल प्रभाव क्या है इसको समझते हैं। तो चलिए फर्स्ट एरो पहले लिख लेते हैं। लिखा जाए, जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कण से टकराता है तो ऐसे महीन कण, सॉरी मशीन नहीं, ऐसे महीन कण से टकराता है कि किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। किरण पुंज का मान दिखाई देने लगता है। इन्हें इन्हें कोलाइडी कण कहते हैं। इन्हें
कोलाइडी कन क और न, कोलाइडी कोलाइडी कन कहते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग टिंडल प्रभाव को समझने से पहले कोलाइडी कण को समझते हैं। क्या कोलाइडी कण क्या है? तो याद रखिएगा कि जब किसी प्रकाश पुंज को एक महीन कण, महीन कण में कौन कौन सा आया, तो महीन कण में धूल आया, कुआं आया, कुआं का पानी भी हम बोल सकते हैं कि एक महीन कण ही है। तो महीन कण में हम लोग ले सकते हैं धूल कण हो सकता है, कुएं का पानी भी लिख सकते हैं जो सूक्ष्म कण में आता है। वही नहीं, जब हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो वायु के साथ धुआं मौजूद होता है, तो धुआं भी एक तरह का क्या है, महीन कण है। तो याद रखिएगा, टिंडल प्रभाव में जब किसी प्रकाश को किसके साथ गुजारा जाता है, किस में गुजारा जाता है, तो महीन कण में यानी सूक्ष्म कण में। तो हम अभी बोले कि जब टकरा कर अपना मार्ग ढूंढता है, यानी कि ये नहीं कि टकरा कर फिर दूसरी दिशा में मुड़ जाएगा, ऐसा नहीं। टकराने के बाद जिधर एयर का फ्लोइंग होगा, जिधर हवा बहेगा, उसी दिशा में हमें पुंज का रास्ता दिखलाई देने लगता है, उसका पथ जाने का साधन मार्ग दिखाई देने लगता है, और इसी को हम लोग कोलाइडिक कण कहते हैं। अब कोलाइडिक कण क्या है? जैसे मान लिया कि प्रकाश आ रही है और बीच में हम लोगों को वाटर मिल गया, जल, तो जल को बोलेंगे ये टिंडल, टिंडल नहीं, कोलाइडिक कण कहेंगे इसको, है ना। सॉरी, हम टिंडल प्रभाव अभी नहीं सीख रहे थे। सबसे पहले तो हमको सीखना है, हम लोग का टॉपिक भले ही है टिंडल प्रभाव, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को कोलाइडिक कण जानना है। तो कोलाइडिक कण फिर से समझ लीजिए, जैसे मान लिया कि एक प्रकाश किरण को गुजारा जा रहा था, यहाँ पे प्रकाश है, प्रकाश के कोई भी कण, सूक्ष्म कण, जैसे मान लिया धूल है या फिर वाटर का सूक्ष्म कण है, मतलब कुछ भी रख दिए, है ना। तो जब यहाँ से प्रकाश को गुजारा जाता है किसमें, तो धूल कण में, तो याद रखिएगा कि वो उस धूल कण से टकराकर अपना मार्ग ढूंढ लेता है। इसी धूल कण को हम लोग दोस्त कहते हैं कोलाइडी कण, ठीक है। और कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परकिरणन का जो परिघटना है वो टिंडल प्रभाव कहलाता है। यानी कि बहुत सबसे अहम सवाल, सबसे पहले कहीं भी टिंडल प्रभाव आएगा आप कोलाइडी कण का डेफिनेशन लिखिएगा। कोलाइडी कण का डेफिनेशन लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके ये अभी जो लिखवा रहे हैं, तो चलिए आप भी सेकेंड एरो देंगे, लिखा जाए कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन की परिघटना को प्रकाश का परकीर्णन कहते हैं। सॉरी, प्रकाश का परकीर्णन, सॉरी, टिंडल प्रभाव कहते हैं। की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो किसी वो कोलाइडी कण जब किसी जब कोई प्रकाश किरण जब कोलाइडी कण से टकराते हैं, तो टकराकर वो अपनी दिशाओं में परिवर्तन कर लेते हैं। इस परिघटना को कि क्या कहते हैं हम लोग, टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग टिंडल प्रभाव के टॉपिक्स तक के आज क्लियर किए हैं, अगले क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।